जून का समय दिया था, आया 22 अगस्त। योगी तेरी सड़कों से, गड्ढा युक्त सड़कों से जनता हो गई त्रस्त। आज हम हैं वाराणसी के नगवा में। यह मुख्य मार्ग की पाइपलाइन फटी हुई है। इधर 80 घाट है, बगल में गंगा बहती है। इधर ट्रामा सेंटर जाने वाली सड़क है, इसे लगातार आप देख रहे हैं, बच्चे आ जा रहे हैं। और यह सीधे मल उत्सर्जित यह सीवर लाइन है, और जो जो जल मल है वह सीधे सीधे सड़क पर जा रहा है। भाई साहब बता रहे हैं कि कई बार कंप्लेंट हुआ है, तो हुआ नहीं, 2 महीने से अधिक हो गए इस गड्ढे को। ऐसी परिस्थिति में हम कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं कि हम और यह साहब कौन सा रैंक है? ये नगवा है। नगवा है, कौन सा रैंक दिया गया है सफाई के मामले में? स्वच्छ काशी सुंदर काशी। स्वच्छ काशी सुंदर काशी और 32वां रैंक है। क्या 32वां रैंक है वाराणसी का? और वाराणसी काफी स्वच्छ और सुंदर हो गया है। यह जल मल आप देख रहे हैं सीधे सीधे। चलिए साहब, यह देखिए, यह 5 फीट 8 इंच का यह है डंडा है, और यह सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि लगातार अगर इसे घुसाता जाऊँगा तो यह पूरा का पूरा डंडा इसमें चला जाएगा। लोग इधर से आ जा रहे हैं, लगातार लोग छुट्टी होते रहते हैं। लोगों को चलिए, 2 लोगों का पैर टूट गया। लोग भी गजब के हैं, बड़ा पेशेंस है लोगों में। और लोग उसके बाद भी कहेंगे बम बम बोल रहा है काशी, काशी बम बम बोल रहा है। उसके बाद भी नाचते जाएंगे, गाते जाएंगे, और सरकारों के गुण गाते जाएंगे। सौ सौ जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। इतने के बाद भी लोगों का गुस्सा जग नहीं रहा है। मिनिस्टर आ रहा है, कल ही परसों मिनिस्टर आया था, और कल सुबह बनारस का 1001 दिन हुआ। बगल में ही तो कमिश्नर साहब आए थे, डीएम आए थे, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, पद्मश्री, पद्म विभूषण, कौन कौन लोग आज समाचार पत्रों में देखा हूं। साहब, यह गड्ढा क्यों नहीं दिखता? और ऐसे 1000 गड्ढे बनारस में होंगे, न्यूनतम 1000 गड्ढे, जिससे लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। और हमको शुद्ध वातावरण में, आप साहब लोग साइकिल में जैसे ही तेल भरवाते हैं वैसे ही टैक्स जाता है प्रदेश और भारत सरकार। ऐसे में आम आदमी उपभोक्ता है, बाबा भी टैक्स देते हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं हो, अभी नमक लिए, मिर्चा लिए, तेल लिए, और बीड़ी लिए, सिगरेट लिए, जो कुछ भी खरीदेंगे उस पर टैक्स जाएगा। GST के टैक्सों में यह चीज़ें भी शामिल हैं। आखिर आप कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। साहब आज 22 अगस्त है ना, क्यों साहब? आए 22 है आज, क्यों 22 है आज ना? चलिए 22 अगस्त को आज हम हैं अपने मौलिक जो हमारी ड्यूटी है उसका पालन कर रहे हैं। हम हैं सामाजिक कार्यकर्ता और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र ब्रजमोहन यादव के साथ है। आज अपने नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए भेजूंगा रामगोपाल मोहले को, भेजूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब को, भेजूंगा यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, भेजूंगा PM को। मुझे नहीं पता कि इस पर इनको शर्म कितनी आएगी, लेकिन हमारा कर्तव्य है और यह हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल है, इसको करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कल भी लिए थे, कल नहीं भेजे थे क्या?